हम सबके चेहरे अलग हैं, पर आवाज एक है। मैं पूछना चाहती हूं, जब ऊपर वाला औलाद देता है तो मां की छाती में दूध कौन उतारता है? कौन सा मजहब दूध उतारता है? क्या हिंदुओं के लिए हिंदू, मुसलमानों के लिए मुसलमान, सिख और ईसाइयों के लिए उनका मजहब? वो सिर्फ दूध होता है अपनी औलाद के लिए। कोई मां अपनी कोख में 9 महीना बच्चा रखने के बाद उसकी कुर्बानी, चाहे देश के नाम पर हो या जिहाद के नाम पर, नहीं देना चाहेगी। चैन और अमन से रहो और मां की कोख उजड़ने से बचाओ। वही पूजा है, वही इबादत है और वही उसे पसंद है। न देश के नाम पर, न जिहाद के नाम पर सियासत मत करो। तुम भी एक माँ से आए हो, वो कोई भी माँ हो, उसका मजहब नहीं होता। वो चाहे मुसलमान माँ हो या हिंदू माँ हो, वो सिर्फ माँ है। उसकी कोख की इज्जत करो। अगर कुछ करना ही है तो माँ की औलादे बख्श दो। चाहे वो सैनिक हो देश की रक्षा के लिए या जिहाद के लिए, उजड़ती तो माँ की कोख ही है ना। हम सबको उसकी कोख की रक्षा करनी है। अमन और शांति बनाकर ही रक्षा की जा सकती है। हम सब जानना चाहते हैं कि धरती माँ का मजहब क्या है, क्या वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। अगर उसका कोई मजहब नहीं है तो क्यों हम बम गिराकर उसकी कोख उजाड़ रहे हैं? जिस धरती माँ ने हमें अपनी कोख दी और हर एक को एक समान बनाया, वो शरीर के अंग हो या सूरज की किरणें हो या चांद की चांदनी हो, चाहे वो लहराती शीतल हवा हो, माँ ने कोई भेदभाव नहीं रखा अपनी ममता में। तो मजहब के नाम पर हम उसकी औलादे उस माँ को दर्द क्यों दे रहे हैं? लानत है हम जैसी औलादों पर जिस माँ ने उसे प्यार और ममता से नवाजा है। हम औलादों ने सिर्फ उसे तकलीफें ही दी हैं। आओ हम सब प्रण लें और ये कसम खाएं कि इससे पहले कि धरती माँ का गुस्सा बेकाबू हो और हमारी नादानियों की वजह से उसकी कोख नष्ट हो और सुनामी, भूचाल, आग जैसी चीजों से हमें सजा दे, हम उसे अपने प्यार और एकता से खुश कर दें। आओ हम सब धरती माता की और धरती पर रहने वाली हर माता की जय जयकार करें।